नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 10 आसन का अध्ययन करेंगे। इस घटक में हमें विवरण पढ़कर कृति करना है। ठीक है, सभी तैयार हो जाइए। इस पाठ में घर के पुराने कपड़ों, चादर, दरी से जमीन पर बैठने के लिए आकर्षक आसन बनाने का तरीका बताया गया है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक कृति का निरीक्षण करेंगे, ठीक है, और फिर आपको आसन बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे घरों में अलग अलग अवसरों में जमीन पर बैठे आसन उपयोग में लाए जाते हैं। आओ आज हम अपने हाथों से ही सुंदर आकर्षक आसन बनाते हैं। घर की पुरानी वस्तुओं से आसन बनाना सीखेंगे, ठीक है। आसन सभी को चाहिए, खाना भोजन करते समय, पूजा पाठ करते समय, नमाज पढ़ते समय, ठीक है ना। और मम्मी और दीदी को जब सब्जी काटती है या सब्जी तोड़ती है तो भी आसन की आवश्यकता होती है। जो बच्चों के घर में टेबल कुर्सी नहीं है, वह आसन के ऊपर ही बैठकर क्या करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। अतः आसन सभी के लिए आवश्यक है। तो हमारे घर में जो पुरानी वस्तुएं हैं, वस्तुएं यानी कपड़े हैं, ठीक है, तो उन कपड़ों से, इवन हम लोग पुरानी बेडशीट है, पैंट है, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, आसन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीज़ों से, जो पुराने जो बड़ी वस्तुएं हैं ना, आपको बताया मैंने, उनसे हम लोग क्या करेंगे, दरी बनाएंगे, ठीक है। तैयार हो गए सब कोई? अब हमको दरी के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, दिख रहा आपको चित्र, देखिए। सबसे पहले आपके पास कैंची होंगी, सुई धागा, आपकी सुई थोड़ी बड़ी और पुरानी लेस भी चलेंगी, या फिर रंगीन कपड़े की चौड़ी करतने और ये इस प्रकार की पुरानी चादर या कपड़े आपको चलेगा, ठीक है। सामग्री में पुराना जाजम, चादर अथवा दरी का टुकड़ा, रंगीन कपड़े की चौड़ी कतरने, फुंदनों वाली लेस, कैंची, मोटी सुई और मोटा रंगीन धागा, ठीक है। दिख रहा आपको सामग्री, ध्यान से देख लिया आप, सबके घर में ये सब चीजें मिल जाती है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। कृति यानी अब हमें क्या करना है, ठीक है। पुरानी दरी, जाजम, चादर का 60 सेमी गुना 60 सेमी का वर्गाकार टुकड़ा काटो। 60 सेमी गुना 60 सेमी यानी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबा होना है 60 सेमी और चौड़ाई भी 60 सेमी यानी वर्गाकार यानी चौकोन टुकड़ा हमको काटना चाहिए। रंगीन कपड़े की 62 सेमी लंबी और 4 सेमी चौड़ी 4 कतरने काटो, ठीक है। जब हमारे इसकी चौड़ाई और लंबाई हमको पता चल गई तो अब हमको उतनी ही लंबी क्या करना है, थोड़ी सी बड़ी, 62 सेमी लंबी और 4 सेमी चौड़ी, ऐसी 4 पट्टियां आपको काटना है। सुई में धागा पिरो लो, आसन के चारों ओर कतरने सिलो, ठीक है। अब चौकोन है, चौकोन हो गया, फिर उसके चारों ओर क्या करेंगे हम लोग, जो हमने पट्टियां काटी है वो चारों तरफ से सिलेंगे। एक ओर से 2 सेमी ही कतरन सिलो, एक ओर से 2 सेमी ही कतरन सिलो, ठीक है, यानी एक तरफ से आपको 2-2 सेमी कतरने आपको सिलना है। अब चारों कतरनों को आसन की दूसरी ओर मोड़कर फिर से सिलो, यानी पहले हमने सिल लिए, फिर से उसको
पलटा के मोड़कर दूसरी ओर से सिल देंगे, यानी चारों तरफ से क्या हो जाती है वो पैक। देखो इस तरह से, देखो ठीक है, वहाँ से सिले हमने दो सेमी, फिर पलटा के इस तरफ सिले, यानी उसकी जो किनार है वो क्या हो जाती है, ढक जाती है। अब चारों कतरनों को आसन की दूसरी ओर मोड़कर फिर से सिलो। पहले चारों तरफ से हमने ऐसे दो दो सेमी से ऐसी इस तरफ चारों तरफ से ऐसे सिल लिए, फिर उसको पलटा के फिर से देखो इस प्रकार हमने सिल दिए। इससे दरी के धागे अलग नहीं हो पाएंगे, यानी इस प्रकार से सीने से क्या होगा, दोनों वहाँ से और इस तरफ की जो किनार है ये पूरी ढक जाएंगी कतरनों से, ठीक है, और उसके धागे नहीं निकलेंगे। आसन एक तरफ, आसन की एक तरफ चारों ओर से फुंदनों वाली आकर्षक लेस सिल, किनारे से चारों तरफ से क्या लगाएंगे, जो फुंदन रहते हैं ना वैसे उस प्रकार वाली लेस क्या करेंगे, यानी लटकन वाली लेस हम लोग लगा देंगे ताकि वह सुंदर लगेंगी। देखो बन गया हमारा आसन। पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुएं बनाना भी कितना आनंददायी और उपयुक्त होता है। देखो आप दिख रहा है आपने, ये देखो फुंदे लग गए और इस प्रकार हमारी ये आसन तैयार हो गई। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को यह कृति पढ़कर पूरी करनी है और सभी को एक एक आसन बनाना है और आपको इसकी फोटो है, ठीक है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।